हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश मौर्य और आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल आलक्यूपी स्टडी पर बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं फ्रेंड्स है SSC की जो बम्पर भर्ती आई हुई फ्रेंड्स, यहां पर आप लोग देख सकते हैं, यह जो है पूरे भारत के लिए मौका आया हुआ है फ्रेंड्स है। इसमें फ्रेंड्स है महिलाओं को जो है यह बड़ी मौका दिया गया है फ्रेंड्स है। इसमें जितने 12 और स्नातक जो किए हैं फ्रेंड्स है वे लोग इस फार्म के लिए आवेदन कर सकते हैं। जो है यह जो है ऑनलाइन आवेदन होना शुरू हो गया फ्रेंड्स है। और इसकी फार फीस जो है जनरल OBC के लिए फ्रेंड्स 100 रुपये लग रहे हैं और ST SC के लिए कोई फीस नहीं लग रहा है। तो फ्रेंड्स, इसके बारे में हम लोग और अधिक जानकारी जो है यह चलकर वेबसाइट पर देख लेते हैं कि क्या जानकारी दिया गया है। तो फ्रेंड्स है, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स है, जो लोग अभी तक नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में दिख रहे बेल आइकन को भी दबा दीजिए। इससे क्या होगा, हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों के पास मिलता रहेगा। और फ्रेंड्स, मैंने अपना व्हाट्सएप ग्रुप लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, वहाँ से आप लोग हमसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वजह किसी भर्ती से रिलेटेड है या फिर किसी एग्जाम से रिलेटेड। और मैं वहाँ पर भी अच्छी अच्छी वीडियो और पिक को जो है पोस्ट करता रहता हूँ। तो फ्रेंड्स, हम लोग चल कर रहे हैं वेबसाइट पर, देख लेते हैं क्या जानकारी मिलता है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मैं अपनी वेबसाइट पर आ गया हूँ फ्रेंड्स। मेरा वेबसाइट है www.unicfriend.in, ये वेबसाइट का नाम है। यहाँ पर आप लोग विजिट करके कोई भी भर्ती से संबंधित जानकारी लेना हो, यहाँ से आप लोगों को सभी जानकारी मिल जाएगी। और फ्रेंड्स, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं SSC ट्रांसलेटर रिक्वायरमेंट 2019 यहाँ पर दिया गया, यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ओर से जो है यह ट्रांसलेटर की भर्ती आई फ्रेंड्स है। तो यहाँ पर देख सकते हैं टोटल पोस्ट के भी नॉट मेंशन दिया गया, यानी भी टोटल पोस्ट कितनी आई फ्रेंड्स है इसके बारे में नहीं बताया गया फ्रेंड्स है। और हम लोग देख लेते हैं क्या क्या जानकारी दिया गया है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जूनियर ट्रांसलेटर की आई है, जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर की भर्ती जो आई फ्रेंड्स है, हिंदी जो है अध्यापक की जो भर्ती आई फ्रेंड्स है। और यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स आप लोग हैं, यह जो ऑनलाइन मोड यहाँ पर जो है दिया गया अप्लाई, जो आप लोग करेंगे फॉर्म जो है ऑनलाइन अप्लाई होगा फ्रेंड्स। और जो है इसमें जो है फॉर्म के लिए जो है ऑल इंडिया कैंडिडेट, चाहे मेल हो चाहे फीमेल, सभी प्रकार के जो है छात्र एवं छात्राएं हैं इस फॉर्म के लिए जो है आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर देख लेते हैं SSC रिक्वायरमेंट 2019 नोटिफिकेशन पे, इसके लिए इसकी फीस कितनी होने वाली फ्रेंड्स है, जो आप लोगों को पेमेंट मिलने वाला है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देख सकते हैं 35,000 जो है 400 रुपये से जो स्टार्ट हुआ फ्रेंड्स है, ठीक है। यहाँ पर इतना स्टार्ट हुआ है, यहाँ पर जो है इतना पे स्टार्ट हुआ है, आप लोग ये देख सकते हैं फ्रेंड्स। और यहाँ जॉब लोकेशन और एग्जाम सेंटर की बात करें, जॉब लोकेशन और एग्जाम सेंटर आप लोगों को जो होने वाला है ये इंडिया में आप लोगों को कहीं भी लगा सकता है, ठीक है फ्रेंड्स। और देख लेते हैं यहाँ पर क्या जानकारी दिया गया है। यहाँ पर ट्रांसलेटर जो है रिक्वायरमेंट 2019 अप्लीकेशन फीस, यहाँ पर आप लोगों को मैंने पहले भी बता दिया, जनरल OBC कैंडिडेट के लिए जो है यहाँ पर मात्र 100 रुपये लग रहे हैं और ST SC के लिए यहाँ पर कोई फीस नहीं लग रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। और देख लेते हैं क्या क्या जानकारी दिया गया है फ्रेंड्स। यहाँ पर देख सकते हैं SSC जो है वैकेंसी 2019 एज लिमिट, यानी 18-30 वर्ष के जितने भी कैंडिडेट हैं, छात्र एवं छात्राएँ हैं, सभी लोग इस फॉर्म के लिए आवेदन कर सकते हैं। और सिलेक्शन प्रोसेस की अगर बात करें फ्रेंड्स, तो वहाँ पर देख सकते हैं आप लोग हैं जो है ऑनलाइन एग्जाम होगा और स्किल जो है टेस्ट लिया जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। यानी स्किल टेस्ट में आप लोगों का जो है कि आप लोग है कितने जो है अभी आप लोगों का एक्सपीरियंस है, क्या लोग आप लोग कर सकते हैं, तो इसमें स्किल टेस्ट में आप लोग लिया जाएगा कि यानी आप लोग काम किए हैं कि नहीं किए, तो आप लोगों का यहाँ पर एक्सपीरियंस मांगा जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। और देख लेते हैं क्या क्या जानकारी दिया गया। यहाँ पर देखते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फ्रेंड्स यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर 12 पास होना अनिवार्य है और जो है पोस्ट ग्रेजुएट आप लोग हैं हिंदी इंग्लिश से आप लोग सब्जेक्ट्स जो है किए हों, ठीक है फ्रेंड्स। और देख लेते हैं यहाँ पर क्या क्या जानकारी मिलता है फ्रेंड्स। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स दिए गए हैं, तो ये जो है फॉर्म भरा जाने का डेट जो है यह 27 अगस्त से ही शुरू हो गया, यानी 3-4 दिन पहले ही यह जो है फॉर्म भरना शुरू हो गया है फ्रेंड्स। और यह जो फॉर्म चलने वाला है यह जो है 26 सितंबर तक फॉर्म भरने वाला है, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आप लोग जो है यह फटाफट फॉर्म को फिल कर लीजिए या फिल करा लीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देख लेते हैं, यहाँ पर आप लोगों को सम इम्पोर्टेंट लिंक दिए गए हैं, जैसे अप्लाई ऑनलाइन, तो आप लोग इस क्लिक हियर पर क्लिक करके इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यदि आप लोगों को कोई क्वेश्चन रह जाता है या फिर किसी भी जानकारी और लेना चाहते हैं इससे संबंधित है, तो इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन यहाँ पर दिया गया, तो इस क्लिक हियर पर क्लिक करके आप लोग जो है इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लेंगे PDF में, ठीक है फ्रेंड्स। और इसके ऑफिशियल अगर वेबसाइट पर आप लोग जाना चाहते हैं तो फ्रेंड्स यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट, इस क्लिक हियर पर करके आप लोग हैं इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर चले जाएंगे, वहाँ पर आप लोगों को सभी जानकारी मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा हमको कमेंट बॉक्स में बताइएगा फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो हम लोग हर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।